हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। जैसे ही कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है, वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि उसका होने वाला बच्चा हेल्दी हो, उसकी समय पर भी डिलीवरी हो। लेकिन कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे की डिलीवरी समय से पहले हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्री मैच्योर डिलीवरी क्या होती है, प्री मैच्योर डिलीवरी होने के कारण क्या होते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि प्री मैच्योर डिलीवरी होती क्या है। ज़्यादातर केसेस में 37वें सप्ताह होने के बाद अगर आपकी डिलीवरी होती है तो उसको पूर्ण गर्भावस्था माना जाता है। लेकिन यदि आपको किसी कारण से लेबर पेन 37वें हफ्ता के पहले शुरू हो जाते हैं और आपकी डिलीवरी 37वें सप्ताह से पहले हो जाती है तो इसी को प्री मैच्योर डिलीवरी बोला जाता है। अगर हम एक सर्वे की बात माने तो भारत के अंदर होने वाले डिलीवरी में से 13% यानी कि 100 में से 13 डिलीवरी प्री मैच्योर ही होती है। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस हैं। तो आज मैं आपको जो लक्षण बताने जा रही हूँ, वो लक्षण अगर आपको प्रेगनेंसी के 37वें सप्ताह से पहले शुरू हो जाती है तो समझ लीजिए कि आपको प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस हैं। तो इसमें सबसे पहला लक्षण होता है आपकी प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी आना। यदि आपको 37वें सप्ताह के आसपास बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी आना शुरू हो जाए, यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट से जितना सफ़ेद पानी पहले निकलता था उससे कहीं ज़्यादा अब निकल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको लेबर पेन शुरू होने वाले हैं और अब आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ गए हैं। दूसरा है कि अगर आपकी प्राइवेट पार्ट से निकलने वाला वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा चिपचिपा है या फिर नॉर्मल तौर पर निकलने वाले वाइट डिस्चार्ज से बहुत ज़्यादा पतला है या आपको इसमें कोई भी ब्लड दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि ये भी एक लक्षण है कि आपको प्रीमैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि अब आपका लेबर शुरू होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको यूट्रस में ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपको ब्लड के थक्के निकल रहे हैं या फिर आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आपकी पीठ में लगातार हल्का हल्का दर्द होता रहा है तो समझ लीजिए कि ये सारे लक्षण बताते हैं कि आपको लेबर शुरू होने वाला है और आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब हम बात करते हैं कि प्री मैच्योर डिलीवरी होने के कारण क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण होता है आपके प्राइवेट पार्ट में से किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना। इसके अलावा अगर आपको जुड़वा बच्चे हैं या फिर आपको दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। तीसरा कारण होता है प्रेगनेंसी में ज़्यादा ब्लीडिंग होना, या अगर आपको पहले मिसकैरेज हो चुका है, आपकी मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है तो भी आपको प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करती हैं, आप अल्कोहल लेती हैं तो भी आपको प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप ऐसा क्या कर सकती हैं कि आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाए। आपको प्रेगनेंसी के दौरान अगर शुगर की प्रॉब्लम है, यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो इसका सही समय पर इलाज करवा लें। इसके अलावा अगर आपको हाई बीपी की परेशानी है, आपको प्री एक्लेम्सिया है, तो आप इसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर से तुरंत की तुरंत सलाह लें। स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान समय समय पर अपनी जाँच करवाते रहें। इसके अलावा अगर आप अपना दूसरा बीबी प्लान कर रही हैं तो पहली और दूसरी डिलीवरी के बीच में कम से कम 2 साल का अंतर जरूर रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आपकी डिलीवरी 37वें सप्ताह के बाद ही होगी। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।